सबसे पहले तो माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं और आपने अपने इस बाजार कस्बे बिरिंची बाजार में जो आपसे परिचय करने मिलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, मैंने ये संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के बिहार के हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर कस्बे में खुद ही चल कर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, किस तरह का जीवन है, उनके आपके जीवन में कौन कौन सी कठिनाई है। लोग बता रहे हैं कि भैया स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कटाव से लोग परेशान हैं, यहाँ पर रईसी की जमीन का मामला है, आपके नागरिकता का मामला है, आप बाहर से आए हुए लोग हैं, जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, बिरिंची बाजार की बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरे जगह पे, उन लोगों की भी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। पूरे बिहार की दुर्दशा जो है वो आपके हमारे सामने है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। आप हर बार वोट देते हैं, हर 2 साल पर 3 साल पर वोट देते हैं, सत्ता बदल जाती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था नहीं बदल रही है ना? बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो आपकी स्थिति इसलिए नहीं सुधर रही है कि जब आप वोट देते हैं तो बिना सोचे समझे वोट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, झंडा देखकर, फोटो देखकर वोट कर देते हैं। वोट आपने कर दिया, जो जीत गया वो राजा बनकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है और आप यहाँ जमीन पर, आपको चलने की जगह नहीं है, है ना बात? तो बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए ना भाई, बदलना चाहिए ना। कैसे बदलेगा? जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो यही बताता है कि हमको वोट कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम यहाँ आपको बताने आए हैं कि भैया अकेले प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी ताकत नहीं है कि हम इसको सुधार दें। ये ताकत आपके पास है। जब तक जनता जगेगी नहीं, आप अपना अधिकार नहीं समझिएगा, आप वोट सोच समझकर नहीं दीजिएगा, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। लिख कर रखिए इस बात को। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत आकर इसको सुधारने वाला नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता दूसरा आदमी करेगा? करेगा भाई? नहीं ना करेगा। आपको उदाहरण दे के बता रहे हैं, यहाँ अभी हम पैदल आ रहे हैं, जितने लोग मिले बता रहे हैं गौनाहा ब्लॉक से आगे कि भैया नरकटियागंज में पहले एक छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी ना, इसको चालू करवा दीजिए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, एक पैसेंजर ट्रेन चालू कराने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मोदी जी को वोट दिए होंगे ना बहुत लोग, इसमें दिए हैं ना मोदी जी को वोट? मोदी जी अहमदाबाद से बॉम्बे चलने के लिए बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे पेपर में, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं और ट्रेन बनाने का खर्चा है 1,00,000,000,000 रुपया। 1,00,000,000,000 रुपया लगाकर ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि अहमदाबाद के लोग बॉम्बे तेजी से जा सके। गुजरात से कितना MP BJP का जीता है मालूम है? 26 को।
आप बिहार से हम लोग कितना जिता कर भेजे हैं, 39 गो। तो जो 26 एमपी भेजा है वो बुलेट ट्रेन पर चलेगा, और जो 39 एमपी जिता कर भेजा है हम लोग को पैसेंजरों में ही मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि नहीं बताइए। 6 करोड़ का राज्य गुजरात, और वही लोग को सब, 13 करोड़ का राज्य बिहार भिखारी बने हुए हैं। हम लोग के लड़कों को यहाँ से काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। आप में से कई लोग ऐसे परिवार होंगे जिसके लड़के गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, कश्मीर में काम कर रहे हैं ना। 10,000-15,000 रुपया के लिए नए लड़कों को, 18 साल 19 साल 20 साल लड़कों को अपने परिवार, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़ के दूर के राज्य में जाकर काम करना पड़ रहा है। उसको पर्व त्योहार में भी घर आने का अवसर नहीं है। अगर वहां बीमार पड़ जाए, आप यहां पर छटपटा कर रह जाइएगा, उसको कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी हम आ रहे थे सुबह सुबह, हमको एक सज्जन मिले, बूढ़े आदमी आए ये बताने के लिए कि भैया हमारा लड़का कश्मीर में काम करता है, गोली लग गई है, अस्पताल में भर्ती है, कुछ मदद करा दीजिए। हमने उनसे पूछा कि कितना पैसा मिलता है वहाँ, क्या करता है। बोले वही कोई 400-500 रुपया कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए गया है। आप बताइए, 12,000-15,000 रुपया कमाने के लिए कश्मीर और बिहार में कितना दूरी है, बीच में कितना राज्य है। दूसरे किसी राज्य का आदमी वहां जाकर काम नहीं कर रहा है, लेकिन बिहार में गरीबी इतनी है, पेट पालने के लिए लोग खतरा मोल कर वहां जाकर काम कर रहे हैं ना भाई। और नेताजी यहां बता रहे हैं, नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बिहार में इतना विकास कर दिए कि अब कुछ बाकी नहीं है करने के लिए, कुछ बाकी नहीं है करने के लिए, है ना। ये बदलना चाहिए। तो हमने संकल्प लिया है, अब विशेषकर जो हम माता बहन बैठी हूं उनके लिए कह रहे हैं, हमने संकल्प लिया है अगर कोई कभी मौका मिल गया तो 6 महीना से साल भर के भीतर, 6 महीना से साल भर के भीतर जितने लड़के बिहार के बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, 10,000-15,000-20,000 रुपए के लिए घर द्वार छोड़कर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था यही बिहार में की जाएगी। और अगर नहीं किए तो हमने आपको अपना कार्ड दिया है, मेरा गर्दन आकर पकड़ लीजिएगा, साल भर से ज्यादा नहीं लगेगा इसको करने में। और जो लोग आपको बताएंगे अरे कैसे होगा, तो आप हमको बताइए, गुजरात का आदमी आकर आपके गांव में काम कर रहा है।